I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams. आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्यों ना मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि आप मुझे मिस्टर जयपुर के नाम से क्यों जानते हैं, बताइए। क्योंकि मिस्टर जयपुर का काम है आपको ऐसी जगह के बारे में बताना जो कि या तो आपने देखी नहीं हो, देखी हो तो आपके, अगर आपने कहीं सुनी हो तो एक्सपीरियंस नहीं की हो। आज की वीडियो इसी के बारे में होने वाली है कि मतलब कि आज मैं आ चुका हूँ जयपुर के एंजल रिसॉर्ट में और आज की वीडियो में मैं पूरा रिसॉर्ट आपको घुमाने वाला हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और ऑफिस के लोगों के साथ यहाँ पर आके चिल कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि जयपुर में ऐसी लोकेशन होती है तो आपके उसके बारे में शायद पता नहीं रहता होगा, आप ढूंढते रहते होंगे। तो मिस्टर जयपुर का काम है आपको ऐसी जगह के बारे में बताना। सत श्रीकाल खमागणी, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जयपुर, लेके आ चुका हूँ हमेशा की तरह इस बार भी एक नई यूट्यूब वीडियो, जिस यूट्यूब वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल रिसॉर्ट के बारे में। पूरा डिटेल से मैं वीडियो बताने वाला हूँ आपको। इसमें वाटर पार्क है, जो रूम्स वगैरह हैं और जो भी एक्टिविटीज़ होती है, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज, सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। यदि भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर और लाइक, ताकि जयपुर के बारे में भाई अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट जो होता है आपको सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जयपुर के चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए चलते हैं अंदर और हम देखते हैं कि क्या क्या हमको अंदर देखने को मिलता है और आपको हम क्या क्या दिखा पाते हैं। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. तो दोस्तों अभी हम अंदर आ चुके हैं इसकी लॉबी में और अभी हम धीरे 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 आपको चीज़ें बताने वाले हैं कि क्या क्या हम यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अभी हम थोड़ी देर रेस्ट लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जयपुर में, तो हम थोड़ी देर 2 मिनट का रेस्ट लेंगे। और आज मेरे साथ वापस से है हमारा बैन। बैन क्या हाल है? तो बैन इतनी देर से यहाँ बैठा बैठा आराम कर रहा है। इसने हालांकि मेरा वीडियो शूट करवाया है बाहर, बट अब थोड़ी देर चिल मूड है हमारा, थोड़ा सा हम आराम करके फिर हम देख रहे हैं बजा के नहीं रहा ये बजा नहीं रहा एक बार रिक्वेस्ट कर नहीं कर रहा मैं तो दोस्तों ये रही मजाक की बात, अभी हम चलते हैं और आपको सीरियस बात है, बजा ही नहीं रहे ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपको रूम से लेकर वाटर स्लाइड से लेकर सब कुछ हम दिखाने वाले हैं। और अभी हमारे साथ यहाँ पर विक्रम है जिन्होंने अभी हमको अटेंड किया है, तो अभी हम चलने वाले हैं। थोड़ा सा हम आपको रूम टूर भी देने वाले हैं और वाटर स्लाइड वगैरह सब कुछ आपको एक एक चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। तो अभी हम चलने वाले हैं इसकी छत पे और आपको छत से एक बार व्यूज हम दिखाने वाले हैं कि कैसा व्यू यहाँ के जो रूफ टॉप से आपको मिलता है, क्योंकि आपको एक वाटर पार्क का भी मैं ऊपर से नज़ारा देने वाला हूँ कि I feel nauseous, believe me. को थोड़ा सा व्यू का अंदाजा देने के लिए हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। और ये देखिए कौन सा रोड है, ये वाला सीकर रोड है, सीकर रोड है, सीकर रोड पे है, सीकर रोड पे दिख जाएगा एंजल रिसॉर्ट लिखा हुआ है ठीक है। ये देखो यहाँ पे जीएसपी ग्रुप पे एक कॉलोनी कट रही है, ये देखिए वो वाला बोर्ड लग रहा है वहाँ पे कहीं पे। और ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से मैं आपको नजारा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्लेस का आइडिया हो जाए। ये गार्डन एरिया है और वो जीएचपी ग्रुप का वहाँ पे आपको थोड़ा सा बाहर जो गेट पे है वो मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम बैक साइड पे आ रहे हैं और अभी आपको हम वाटर स्लाइड की तरफ ले जाने वाले हैं कि वाटर स्लाइड कैसे कैसे रहती है। ये बैक साइड से जो रास्ता जाता है ये वाटर स्लाइड की तरफ जाने वाला है और यहाँ पे थोड़ा गार्डन वगैरह जो मतलब कि आउटडोर सिटिंग का जो स्पेस है वो यहाँ पर अवेलेबल है। It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now.
तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे जो पूल एरिया है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आइडिया दे देता हूँ कि आपको जो 400 में जो पूल वगैरह रेन डांस वगैरह जो मिलने वाला है, ये देखिए एक ये पूल है और एक वहाँ पे जो रेन डांस आपको पीछे दिख रहा होगा, और इसके पीछे 5 फीट और का पूल है, और ये चारों ओर यहाँ पर जो शायद इसमें भी पानी रहता है वो जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में जितना मैंने बता सका वो मैंने बता दिया है, क्योंकि आपको एक एक पार्ट एक्सप्लोर करना मेरा काम है और मैं वो कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर जरूर करना है। मैं बार बार इसलिए कहता रहता हूँ कि यार आपके लिए कॉन्टेंट मैं बनाता हूँ, इतनी मेहनत आपके लिए लगती है, तो आपको बस क्या करना है, घर बैठे बैठे एसी की पंखे की कूलर के हवा में बस लाल कलर के बटन को प्यार से दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मिस्टर जयपुर को आपका प्यार मिल सके। You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on. तो गाइज अभी हमारे साथ विक्रम है, और विक्रम अभी हमें थोड़ा साइट वगैरह विजिट करा रहे हैं ताकि हमको एक बार छोटा मोटा आइडिया हो जाए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ताकि हम आपको और भी बेटर तरीके से बता पाए। तो विक्रम अभी हम कहाँ चल रहे हैं, इंडोर गेम के लिए चल रहे हैं। तो देखिए एंजल रिसॉर्ट के अंदर अगर आप इंडोर गेम बच्चों के लिए मतलब कि बड़ों के लिए कोई से भी इंडोर गेम होंगे वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंडोर गेम्स में एक ही टेबल टेनिस है और एक बिलियर्ड्स है, एक कैरम आपको मिल जाएगा। देख लीजिए मतलब कि आपके जो एंटरटेनमेंट का पूरा जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर है। अगर आप वीकेंड के लिए आ सकते हैं ऑफिस पार्टी के लिए वगैरह के लिए, यदि आप सोच रहे हैं ऐसी जगह तो बिल्कुल आप एंजल रिसोर्ट आइए। तो दोस्तों अभी हम अंदर जाने वाले हैं, स्लाइड एक बार आपको बता देते हैं कि कैसी स्लाइड क्या है यहाँ पे, और मतलब कि कितनी ऊंची स्लाइड है। लगभग 2 मंजिल के करीब हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर हमारी स्लाइड आएगी, और एक बार आपको एक्सपीरियंस करके बता देते हैं ताकि आपको हर एक चीज मतलब कि हर एक चीज आपको पता लग सके। तो ये कुछ ऐसे ऊपर चल रहे हैं अभी हम स्लाइड पे, सांस फूल गई है बट वीडियो कंप्लीट करना है, एक चीज आपको दिखानी है। देखिए यहाँ पे ये स्लाइड है, और ये स्लाइड में भी नीचे नीचे से नीचे से नीचे से तो दोस्तों वो जा चुका है, हमको थोड़ा मोबाइल का डर लग रहा है ना, हम थोड़ा सा बीच में स्लाइड के में फंसे हुए, बट हम धीरे 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 नीचे चलेंगे। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt. तो गाइज अभी मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देता हूँ कि हमारा रूम कैसा है आज के लिए। जो ये देखिए आज कपड़े चेंज हो चुके हैं, और ये कुछ हमारा ऐसा रूम है यहाँ पर, और वॉशरूम वगैरह में दिखा देता हूँ। अरे ये कुछ हमारा वॉशरूम है, और वॉशरूम आप देख सकते हैं कितना मतलब ठीक है, बढ़िया वॉशरूम है जगह के हिसाब से। और यहाँ से कुछ व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, व्यू का वेट बहुत देर से करूँगी, कैसा रूम से जो व्यू आता है वो कैसा आता है देखिए। कुछ ऐसा यहाँ से व्यू है जो आप
एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे चेयर वगैरह लगी हुई है, आप चाय वगैरह का आनंद यहाँ पे बैठ के ले सकते हैं। आपको एक और रूम का एग्जांपल देने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको छोटा मोटा आइडिया रहे कि कौन कौन से रूम यहाँ पे अवेलेबल है। अभी है ये थोड़ा सा, ये लार्ज में जो स्वीट रूम है ये अवेलेबल है। एक ये बाहर ही थोड़ा डाइनिंग एरिया मिल जाता है, एक बार थोड़ा सा ऐसे दिखा दीजिए। और इसके अभी हम अंदर चलते हैं, जो मेन रूम है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, क्या मैं पूरा रूम दिखा देता हूँ आपको, इधर से देखिए। और ये देखिए कितना मतलब लग्जरी फील, जो भी आप लेना चाहते हैं जयपुर में ऐसे रिसॉर्ट में, तो आप एंजल रिसॉर्ट को ज़रूर प्रीफर कर सकते हैं। क्योंकि एंजल रिसॉर्ट एक ऐसा रिसॉर्ट है ना कि यहाँ पर जो नेचुरल वाइब है ना वो है, मतलब कि हर रिसॉर्ट में नेचुरल वाइब रहती है, बट यहाँ पे जो नेचर का टच मेरे को लगा ना वो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ के जो मैनेजर हैं नवीन शर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ के बारे में। थोड़ा सा व्यू हम दिखा देते हैं बाहर का, थोड़ा सा मेरे को आप दीजिए, मैं व्यू वगैरह का आपको दिखा देता हूँ कि कैसा क्या व्यू है। ये देख लीजिए, यहाँ से ये व्यू आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह भी मैं आपको एरिया जो वो मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए, ये वॉशरूम है कुछ यहाँ का। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स है, प्राइसिंग है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना तो आपके लिए फुल डिटेल वीडियो मेरी तरफ से जाती है। तो अभी हमारे साथ हैं यहाँ के जो एंजल रिसॉर्ट है वहाँ के जो ऑपरेशन मैनेजर हैं मिस्टर भूपेंद्र, हमारे साथ हैं। तो भूपेंद्र जी, आप मुझे तो पहले ये बताइए कि कितने जो टोटल रूम हैं वो कितने यहाँ पर हैं? एक्चुअली वी आर हैविंग टोटल 59 रूम्स। 59 रूम्स हैं अपने पास, रूम्स हैं सारे अपने पास। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। अच्छा, सूट है, मिनी सूट है, अच्छा क्लब है, डिलक्स है, सारे कैटेगरी। अच्छा, और यहाँ पर जो वाटर स्लाइड है, अगर मतलब कि अगर किसी को स्टे नहीं करना है वाटर स्लाइड के, मतलब कि एक फन के पर्पज से यहाँ पे आता है कि वाटर स्लाइड में फन कर जाऊँ, वाटर पार्क का जो एक्सेस है वो कितने, जो प्राइस है उसकी कितनी है? देखिए एक्चुअली वाटर पार्क का, हमारा जो वाटर पार्क की जो एंट्री फीस होती है वो सिर्फ अगर आप वाटर पार्क की एंट्री लेते हैं सो दैट वुड बी 400 रुपीज़ पर पर्सन की एंट्री है सिर्फ वाटर पार्क के लिए। उस एंट्री में आपको स्लाइडिंग मिलेगी, आपको रेन डांस मिलेगा, आपको डीजे भी डांस मिलेगा। अच्छा, आपको इंटरनल इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं। अच्छा, चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगी, इंक्लूड मिलेंगी। और अगर मतलब कि उसमें अगर मील अगर हम इंक्लूड कर दें तो उसमें, अगर आप उसमें मील इंक्लूड करना चाहते हैं सो दैट वुड बी 850 रुपीज़ पर पर्सन रहता है। उसमें आपका एट द टाइम ऑफ अराइवल आपका वेलकम ड्रिंक होगा, उसके बाद आपका अगर लंच लेते हैं। अच्छा, तो लंच होगा, ठीक है, शाम को हाई टी होगी। अच्छा, तो इसमें ये 850 में अगर आप मील इंक्लूड करना चाहते हैं 850, और सिर्फ वाटर स्लाइड के पर्पज से आप यहाँ पे आ रहे हैं वाटर पार्क को एंजॉय करने यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका लगेगा 400 रुपीज़ पर पर्सन। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप जब भी एंजल रिसॉर्ट में आए तो मिस्टर भूपेंद्र यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको दिक्कत है परेशानी कोई भी क्वेरीज हो तो मिस्टर भूपेंद्र आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो भूपेंद्र जी, अगर कोई वीडियो देख कर आया तो फुल सपोर्ट चाहिए सर। 100% सर, डेफिनेटली, एंड विल इंश्योर यू कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो विल 100% एंजॉय। ओके, हम लोग वी आर, यू नो, वी आर लाइक एक फैमिली। अच्छा, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, अपने फैमिलीज के साथ आ सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ आ सकते हैं, अपने रिलेशन में किसी के साथ भी आ सकते हैं। अच्छा, एंजॉय, बिकॉज वी आर लाइक, यू नो, सारी फैमिलीज वगैरह ही हम लोग एंटरटेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो दोस्तों आपने जैसे देखा भूपेंद्र जी ने पूरा डिटेल से आपको बताया, और मतलब कि कभी भी कोई भी क्वेरीज रहती है तो यहाँ इनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी इनके प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज़रूर मिल जाएंगी। और इसकी यहाँ के जो कैफेटेरिया है, जो रेस्टोरेंट है, वो कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी बढ़िया है। द लीफ के नाम से है, और द लीफ का ऐसे नाम रख लिया यहाँ पे, देखिए प्योर नेचुरल जो प्लांट है वो यहाँ पर हर टेबल पे रखे गए हैं, आपको हर टेबल पे यहाँ पर दिख जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया, मतलब कि एक डिफरेंट काइंड वाला जो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट है यहाँ पर मिल जाएगा। और तो दोस्तों हमारा थोड़ा सा स्नैक्स टाइम हो चुका है, क्योंकि हम शूट करते करते थक गए थे, हमने चाय और सैंडविच और कुछ फ्रेंच फ्राइज हम खा रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाल कलर के बटन को आप चाहे एक बार दबाइए चाहे 100 बार दबाइए, पर मेरे को चैनल सब्सक्राइब चाहिए भाई अब की बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए ऐसा कॉन्टेंट ढूंढने के लिए। और यदि अपनी आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भैया क्या करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, जाके फॉलो करो MISTER__ जयपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पर मैं रॉ फुटेज, रील्स और जयपुर से रिलेटेड फोटोग्राफ्स पोस्ट करता रहता हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।